नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पार्ट 11 17 वीपीएससी का करंट अफेयर्स का। इससे पहले 10 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, टोटल 200 करंट अफेयर्स। और इसमें भी आज हम लोग 20 नए करंट अफेयर्स जानेंगे, और ये भी जुलाई महीने का ही है, ठीक ना। इससे पहले अगस्त सितंबर हो चुका है, ये जुलाई महीने का है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट बढ़ सकता है, तो मैं फ़िलहाल ऐसा करूँगा कि जुलाई महीने का ख़त्म करने के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का बिहार करंट अफेयर्स बना के अपलोड कर दूँगा। बाकी सही में कितना सही न्यूज़ है कितना गलत न्यूज़ है ये नहीं पता। ये सब रिसर्च करने का काम और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि उनको कंटेंट के नाम पे वही अपलोडिंग करना होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मनोज वाजपेयी की नई बायोग्राफी लिखी गई है बॉलीवुड के जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के द्वारा। उसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इम्पॉर्टेंट है चूँकि मनोज वाजपेयी खुद बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के हैं। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के सीएम बन गए हैं। जब ये जेल गए थे तो चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था, अब तो फिलहाल बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलने के बाद दोबारा झारखंड के सीएम बन गए हैं। केर स्टारमर ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ था जुलाई में, और उसमें लेबर पार्टी की जीत हुई थी। और जो अभी वहाँ के पीएम थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उनके बाद ये केर स्टारमर नए पीएम बने हैं ब्रिटेन के। बजाज ऑटो ने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी पावर मोटर बाइक लॉन्च किया है, जिसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। उस तरह से ईरान को भी नए राष्ट्रपति मिला है, जिनका नाम है मसूद पेजेस कियान। क्या नाम देख लीजिएगा, हाँ, मसूद पेजेस कियान या मसूद पेजेस कियान, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक ना। अभी 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस पी सात शिवम, इस कमेटी ने महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट 2024 का अवार्ड दिया है। एक और अवार्ड की बात, ये हाईली वर्ड गलत है, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इसको इस साल 2024 के लिए, या इस साल जो मिला है, ये ईयर तो मैंने नहीं देखा, आप लोग देख लीजिएगा, ये मिला है तमिल लिटरेचर ऑर्डर शिव शंकरी को, ठीक ना। शिवा शंकरी फीमेल हैं, इनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड मिला है। रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि आईटी सर्विस कंपनी एससील की चेयरपर्सन हैं, उनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, उससे नवाजा गया है। सेम अवार्ड से आई थिंक जनवरी फरवरी के महीने में शशि थरूर को भी नवाजा गया था। तो वही नाम आप लोग याद रखिएगा कि इसमें एक और नाम है शशि थरूर। फिर से एक और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात। रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देखिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने टाइप किया इसलिए आज इतना वो हो रहा है पूरा नाम लिखिए यहाँ पे, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को रसिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया है। एक्चुअली इसकी घोषणा 2019 में ही हो गई थी, लेकिन फाइनली अवार्ड उनको अब जाके मिला है, जब वो फिलहाल कुछ महीने पहले जब रसिया के दौरे पे गए थे, ठीक ना। ये सब बाकी पढ़ लीजिएगा। गौतम गंभीर पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ थे,
उसके बाद भी गौतम गंभीर को कोच बनाया गया। इससे पहले वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मेडेवीज। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड में बहुत जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका इंफॉर्मेशन होगा, ठीक ना शायद, हाँ यही है सब कुछ। बाकी और क्या देख लीजिएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ना, ये एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। मैरीटाइम मतलब ये जो भारत के समुद्र तट हैं, जो भारत के तटीय इलाके हैं या फिर किसी भी कंट्री का तटीय इलाका है जो इसके मेंबर है उसके सिक्योरिटी को ये मॉनिटर करता है। और इसमें फिलहाल बांग्लादेश 5वें मेंबर के रूप में ऐड हुआ है। इससे पहले जो इसको और 4 मेंबर हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि हर साल 25 जनवरी को, आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए कि उस समय जिन लोगों को जेल जाना पड़ा या फिर काफ़ी या फिर जिन लोगों ने आपातकाल में उस समय की सरकार से लड़ाई की थी उन्हीं लोगों को कोमेमोरेट करने के लिए हर साल 25 जुलाई को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खैर 25 जुलाई को इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था 1983 में, लेकिन ठीक है सबकी चॉइस है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में पार्टिसिपेट किया था। बस इतना याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ना, ये एक मल्टीलेटरल बायनियल मतलब हर 2 साल पे होता है एक्सरसाइज ये, और ये मेनली ऑर्गेनाइज किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसमें काफ़ी सारी देशों के एयरफोर्स की एयरफोर्स हिस्सा लेती है। झारखंड सरकार प्लान कर रही है कि वो ईस्टर्न इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स अपने स्टेट में खोलेगी। अभी खुला नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फैसे ये, एक तो ईस्टर्न इंडिया का पता नहीं क्यों लिखा हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023-24। इसमें तो पहली बात ये कि ये 2020-21 के बाद पहली बार रिलीज किया गया है, ऑलमोस्ट 3 साल के गैप के बाद। और ये एक्चुअली जो इंडेक्स बेस्ड है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कुल 16 गोल्स हैं उसमें इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर ये बेस्ड है। तो अगर 2020-21 से तुलना करें तो इंडिया ने थोड़ा ठीक किया है। उस समय इंडिया, ये नीति आयोग ने पूरे ओवर कंट्री को ओवरऑल 66 पॉइंट्स दिए थे और अब ये 2023-24 की रिपोर्ट में 71 पॉइंट्स हो गया है आउट ऑफ 100 ही होगा आई थिंक, है ना। और जहाँ तक स्टेट्स की बात करें तो केरला और उत्तराखंड सबसे टॉप पे है। इन दोनों को आउट ऑफ 100 79 पॉइंट्स मिला है, ठीक ना, आउट ऑफ 100 79 पॉइंट्स मिला है। और फिर अगर सबसे नीचे पायदान पर रहने वाले स्टेट्स की बात करें तो सबसे नीचे हमारा अपना बिहार है, इनको 57 पॉइंट्स मिला है। और उससे जस्ट ऊपर हमारा जो बिहार का पहले अंग था झारखंड 62 पॉइंट्स पे है, ठीक ना। जेम्स एंडरसन पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर, अब तो खैर पूर्व हो गए हैं, मतलब इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि एक तो इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है उससे संबंधित है, प्लस ये दुनिया में अभी तक बस 3 ही बॉलर्स ने आई थिंक 700 विकेट लिए हैं, उसमें मुरलीधरन हैं, शेन वॉर्न थे अब वो नहीं रहे, और जेम्स एंडरसन, और ये वर्ल्ड के एकमात्र फास्ट बॉलर हैं जिनका मोर देन 700 विकेट्स है।
और इनका करियर अराउंड 21 साल तक रहा, तो वो बहुत ही लंबे करियर के बाद इन्होंने फाइनली संन्यास लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग APCNF, ये क्या है देखिए, यह स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लॉन्च थ्रू रायथू साधिकर समस्या 7 ईयर अगो, वहाँ का जो स्कीम था उसके तहत आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया गया था 7 साल पहले, और ये अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसको अभी 2024 का गुलबेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है, और ये अवार्ड काफ़ी एक तरह से बोला जाए तो इम्पोर्टेंट अवार्ड है, फेमस अवार्ड है। और ये क्यों दिया जाता है और कहाँ का, देखिए ये एक अवार्ड है जो पुर्तगाल बेस्ड एक फाउंडेशन है, इसका देख लीजिए क्या नाम है, CGF, और ये बेसिकली वैसे संस्थानों के दिया जाता है और ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो हर साल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिजिलियंस और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस साल ये अवार्ड आंध्र गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा शुरू किया गया, द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। ये तो ऐसे ही है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। बोला गया है कि अर्ली 2060 की बात करें, वो जो दशक होगा, जो 2060 का जो दशक होगा, उसमें ऐसा बोला है कि 2054 में, एग्जैक्टली ये ईयर लिखा था कि 2054 में इंडिया का पॉपुलेशन फाइनली पीक कर जाएगा जो 1.69 बिलियन के आसपास होगा। और ये सब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 जो रिपोर्ट आई है जो कि UN के द्वारा रिलीज किया गया, उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन फाइनली 2054 में 2054 में पीक करेगा, 2054 में, और इसमें इंडिया का पॉपुलेशन रफली 1.7 बिलियन होगा, और फिर उसके बाद फाइनली हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। और फिर लेकिन फिर भी उसमें ये भी बात हो रहा है कि ये जो हमारा शताब्दी चल रहा है, जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, उस सेंचुरी के अंत तक इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री रहेगा। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में पिछले साल ही इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा है एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक ना। और ये आज का आखिरी करंट अफेयर, स्पेन ने जुलाई के महीने में इंग्लैंड को हराकर यूरो 2024 ट्रॉफी जीती थी, और ये फुटबॉल की ट्रॉफी है, ये भी जर्मनी में हुआ था, ये हर 4 साल में होता है, और ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद अगर बोला जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे सेकेंड मोस्ट फेमस ट्रॉफी बोल सकते हैं। तो इसके भी जो विजेता हैं स्पेन है, पिछले साल 2021 में जब हुआ था तो उसके विजेता इटली थी, तो और दोनों बार इटली ने भी इंग्लैंड को हराया था, स्पेन ने भी इंग्लैंड को ही हराया था, और ये इसमें स्पेन की ही रोड्री को, जो कि मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है, और उन्हीं के टीम में लामिन यमाल को बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, ठीक ना। तो आज का 20 घंटे फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली एग्ज़ाम का डेट अगर बढ़ गया तो और भी मैं कुछ वैल्यू एडिशन, जो एक और जो मेरा सीरीज चल रहा है उसमें कुछ और भी अच्छे वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँगा, देखते हैं क्या करना है। थैंक यू।